बस निगलने वाली सुरंग। मीना बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में ही सोचती थी। मीना के बेटे राज की शादी बहुत ही गुणी लड़की सुनैना से हो जाती है। सुबह 6 बजे उठकर सुनैना जल्दी से पूजा पाठ करके अपनी सास के पैर छूती है और उसे नाश्ता देती है। तभी मीना कहती है, खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। अरे ये क्या, तूने पकौड़े बनाए हैं? नमकीन रखी थी, वही दे देती। माँ जी, मुझे लगा आपको पकौड़े बना कर दूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, लेकिन बेटे, मेरे बेटे के पैसे पेड़ पर तो उग नहीं रहे जो तू पकौड़े वकौड़े बनाती रहेगी हैं? कल रात भी तूने कचौड़ियां बनाई थी। अरे घर भी चलाना है, महीने भर का राशन तू तो आज ही खत्म कर देगी हैं? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, और हफ्ते में 2 बार से ज्यादा तला हुआ नहीं बनना चाहिए, समझी? जी माँ जी। सुनैना ये बोलकर घर के काम करने चली जाती है और मीना चाय नाश्ता कर लेती है। शाम होती है, राज ऑफिस से आ जाता है। तभी मीना कहती है, आ गया मेरा राजा बेटा, बहू पानी लेकर आ जरा इसके लिए। जी माँ जी। माँ, आप मुझे फिर से राजा बेटा बोल रही है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे राज ही बोला करो। अच्छा, तो कितना भी बड़ा हो जा, मेरे लिए तो तू मेरा बच्चा ही रहेगा। माँ आप भी ना। राज इतना बोलकर फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद सब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। वहीं सुनैना रसोई में खाना बना रही थी कि उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं। सुनैना काम कर रही थी कि तभी राज आ जाता है और उसे पीछे से हक करके बोलता है, बहुत बिजी रहने लगी हो तुम, हाँ? अरे थोड़ा सा मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो, जब देखो रसोई में ही रहती हो। आप क्या कर रहे हैं, माँ जी आ जाएंगी तो देख लेंगी। तो क्या हो गया, पति ही तो हूँ तुम्हारा। अच्छा मुझे कॉफी बना दो। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। सुनैना कॉफी बनाकर अपने कमरे में आती है, राज को देती है कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी राज बोलता है, सुनैना 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 तुम ठीक तो हो ना, डॉक्टर को कॉल करता हूँ। राज अपनी माँ को बताता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि सुनैना गर्भवती है। ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और मीना अपनी बहू की नजर उतार कर बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मुझे खुश कर दिया, अब घर में छोटा सा मेहमान जो आएगा। हाँ माँ जी, माँ जी मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, वो तो करता ही है, मैं तेरे लिए कच्ची आमिया लेकर आती हूँ। मीना खुशी से बहू के लिए आम भी लेकर आती है और अपने हाथ से खिला देती है। एक हफ्ता बीत जाता है, मीना उसका बहुत ख्याल रखती है और केसर का दूध उसे देती है कि तभी डोर बेल बजती है। मीना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी वंदना आई है और उससे कहती है, वंदना बेटा तू अचानक कैसे आ गई? माँ माँ आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई जो तू सीधा यही आ गई बताने के लिए? माँ आप नानी बनने वाली हो और मैं माँ। अरे सच, ये तो बहुत खुशी की बात है, एक तरफ मैं दादी बनूंगी तो दूसरी तरफ नानी है। हाँ माँ, शाम को प्रीतम मुझे लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ। अरे नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगी, यही मेरे पास रहेगी तेरी जब तक डिलीवरी ना हो जाए। लेकिन माँ प्रीतम बोलेंगे। उनकी चिंता तू मत कर, अब मैं उनसे बात कर लूंगी। दी नमस्ते, बधाई हो, आप भी माँ बनने वाली हो। जी भाभी, आपके बारे में तो माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था। अच्छा बहू, जा वंदना के लिए केसर का दूध ले आ, ऐसा कर तू अपना गिलास ही दे दे, तू और बनाकर खुद पी लियो। जी माँ जी। सुनैना सास की बात सुनकर अपना गिलास नंद को दे देती है और वो अपना केसर दूध बनाकर खुद पी लेती है। थोड़े दिन बीतते हैं,
मीना सुनैना से अब भी घर का सारा काम करवाती है और अपनी बेटी को हिलने तक नहीं देती। शाम को सुनैना को खट्टा खाने का मन करता है तो वो मीना से कहती है, माँ जी मुझे इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, खत्म हो गई है, आप मंगवा देंगी? अरे संतरा रखा है, वही खा ले, नमक लगा के खा लियो, वो भी तो खट्टा ही होता है। माँ जी मेरा वो मन नहीं है, रह नहीं देती हूँ, माँ जी नहीं मंगवाएंगी। सुनैना जा रही होती है कि तभी वंदना आती है और मीना से बोलती है, माँ मुझे ना चटपटा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए चाट मंगवा दो ना, जी मचल रहा है बहुत। जी मचल रहा है, बहू जरा वंदना के लिए आम का पना बना के ले आ। बेटा तू उसको पी ले और मैं जब तक तेरे लिए चाट खरीद के ले आती हूँ। बहू दे दियो उसे। जी माँ जी। मीना मार्केट से चाट लेकर लौटती है और अपनी बेटी को खिलाने लगती है, तभी सुनैना कहती है, माँ जी आप बाजार गई थी, इमली लेकर आई आप? ओहो मैं तो भूल ही गई लाना, ऐसा कर वंदना तू थोड़ा सा बचा कर बहू को दे दियो। हाँ ठीक है माँ। ये माँ जी को क्या हो गया है, जब दीदी नहीं थी तो बहुत ख्याल रख रही थी, उनके आते ही मुझसे ध्यान हट गया है इनका। अगर दीदी प्रेग्नेंट है तो मैं भी तो हूँ ना, मेरे बारे में तो माँ जी सोचती ही नहीं है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। सुनैना को डॉक्टर के पास जाना था, तभी वो कहती है, माँ जी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप मेरे साथ चलिए ना, राज ने बोला था कि आपके साथ चली जाऊं, उन्हें थोड़ा सा काम आ गया था। बहू बेटा तू खुद से चली जा, अभी कौन सा तेरा 9वां महीना है, 7वां महीना तो है, पास के ही डिस्पेंसरी में चली जा, जल्दी काम हो जाएगा तेरा। तेरे साथ जाऊंगी तो ये वंदना के साथ कौन रहेगा है? ये सुनकर सुनैना डिस्पेंसरी चली जाती है। अगले दिन वंदना को कुछ टेस्ट कराने होते हैं जिसके लिए मीना उसके साथ चली जाती है। ये बात सुनैना को बहुत चुभती है लेकिन कुछ नहीं कहती। इसी तरह दोनों का 9वां महीना लग जाता है। मीना अपनी बहू से सारा काम कराती है मगर ध्यान नहीं रखती है। इस बीच सुनैना को कमजोरी आ गई। आदर्श बहू होने के नाते वो राज को कुछ भी नहीं कहती। अचानक से सुबह सुनैना के लेबर पेन शुरू होने लगता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों आती हैं, तभी वंदना का पांव फिसलता है जिसके बाद उसे भी दर्द होने लगता है। मीना तभी राज को कॉल करती है, बेटा जल्दी आ जा, दोनों की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल जाना है। माँ मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। कुछ देर में एम्बुलेंस आती है और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद सुनैना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और वहीं दूसरी डॉक्टर आती है और कहती है, मीना जी हम आपकी बेटी के बच्चे को नहीं बचा पाए, उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल स्टेज पर थी, गिरने की वजह से बच्चा तभी गुजर गया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मम्मी जी, अगर वंदना आपके पास नहीं रुकती तो मेरा बच्चा आज मेरी गोद में होता, वंदना को पता चला तो वो टूट जाएगी। नहीं दामाद जी ऐसा मत बोलिए, मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है। कुछ देर बाद दोनों को अपने बच्चों के बारे में बता दिया जाता है। सुनैना ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर वंदना के पास जाती है और बोलती है, दीदी आप ऐसे दुखी मत होइए, मेरा मुन्ना आज से आपका मुन्ना है, मैं इसके बगैर रह लूंगी, लेकिन आपको इस हाल में नहीं देख सकती दीदी। भाभी मुझे अच्छा लगा आपने मेरी हालत को समझा, लेकिन एक बच्चे को माँ से दूर करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बहू की हालत देखकर मीना का दिल पसीज जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए वो कहती है, बहू तूने वंदना के बारे में सोचा और मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, हमेशा तुझसे काम करवाया और आज तू अपनी झोली खाली करके वंदना को देने चली थी। अरे सच में ऐसी गुणी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। इतना बोलकर मीना अपनी बहू को गले से लगा लेती है जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।